हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट RYB। हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। सो भाई लोग, ये वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, बिकॉज फाइनली कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया है जो आलोक से भी ज्यादा ओपी है। बिल्कुल सही मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कैरेक्टर आलोक को पूरी पूरी टक्कर देगा। इसका नाम है स्वेर एंड ये आएगा आने वाले टाइम में। अभी तो ये एडवांस सर्वर में है, मैंने इसको टेस्ट किया और भाई कमाल की एबिलिटी है इसकी। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये एबिलिटी सच में बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। तो इसकी एबिलिटी, इसकी स्किल सब कुछ समझेंगे। इवन मैं इसका पूरा गेम प्ले दिखाऊंगा आपको। इसका नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत धांसू है। दिखने में तो एकदम शेर जैसा लग रहा है, और क्या ही धांसू लुक दिया हुआ है, एकदम MMA फाइटर वाला। और ये है भी एक MMA फाइटर ही, लेकिन इसकी स्किल भाई ऐसी है, आपको मैं बता दूंगा ना, मतलब आप कहोगे यार क्या ओवर पावर स्किल दे दी है। मतलब आलोक जैसे कैरेक्टर को पूरी टक्कर दे देगा। चलो अब सबसे पहले इसका गेम प्ले देखते हैं और इसकी स्किल को समझते हैं। सबसे पहले इसकी स्किल जो है वो है एक्टिव स्किल। मतलब जिस तरीके से आलोक की स्किल एक्टिव है, उसी तरीके से स्वेर कैरेक्टर की स्किल भी एक्टिव है। मतलब आप इसको आलोक के साथ नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे आप देखो, जो ये शेर वाला आइकन आ रहा है बड़ा सा, जिस तरीके से हम आलोक को एक्टिवेट करते हैं, उसकी स्किल को ट्रिगर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसकी स्किल को भी ट्रिगर करेंगे और इसकी स्किल वर्क करेगी। अब बात करते हैं इसकी स्किल एग्जैक्टली में है क्या। मैं इतना तारीफ क्यों कर रहा हूँ इस कैरेक्टर की, भाई ऐसा क्या है इस कैरेक्टर में। स्किल इसकी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप सुनोगे, आप कहोगे भाई ये क्या है। स्टार्टिंग में जब पार्ट बताऊंगा आप कहोगे ये क्या है। जब भी आप इसका जो पावर एक्टिवेट करते हो, जब आप इसकी स्किल एक्टिवेट करोगे, और अगर आपका ये कैरेक्टर मैक्स लेवल पे है, तो आपकी 30 HP कम हो जाएगी। मतलब अगर आपकी 200 HP है, तो ये खुद की 30 HP कम कर लेगा। आपकी HP हो जाएगी 170। अब आप कहोगे ये क्या भाई, अपनी HP कम करके ये क्या कर लेगा। तो जब आप इसकी एबिलिटी ट्रिगर करते हो, ये अपनी तो 30 HP कम कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो 5 सेकेंड होते हैं, उसमें आप जिसके ऊपर भी अटैक करोगे, जिसके ऊपर भी हमला करोगे, चाहे आप उस पर AWM चलाओ, चाहे आप उस पर AR गन चलाओ, चाहे आप उस पर शॉर्ट गन चलाओ, SMG चलाओ, कुछ भी चलाओ, उन सब में 20% का इंक्रीमेंट होगा। मतलब 20% एक्स्ट्रा डैमेज। ध्यान से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना डैमेज आया AWM से। मेरे पास बिना एट्रीब्यूट वाली स्किन है और नॉर्मली उसका डैमेज आता है 150। जी हाँ, नॉर्मल AWM का डैमेज होता है 150, लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा, 180 डैमेज आया। वो क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी एबिलिटी एक्टिवेट करी, उसके बाद AWM की शॉट मारी, मेरी HP हो गई 30 कम। आपने देखा होगा जैसे मैंने एबिलिटी एक्टिवेट करी, मेरी खुद की HP कम हो गई, लेकिन 20% एक्स्ट्रा डैमेज आपको देखने को मिला। मतलब 150 का 20% होता है 30, और 150 प्लस 30 180, तो यहाँ पे AWM से 180 का डैमेज आया। अगर वही आप यहाँ पे जो स्विफ्ट वाली स्किन है AWM की वो यूज़ करोगे, तो 165 का नॉर्मल डैमेज है, और वहाँ पे आपको देखा जाए तो 33 एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। मतलब 165 प्लस 33 198 का डैमेज, और सिर्फ AWM यूज़र के लिए नहीं, बाकी AR यूज़र्स के लिए भी बहुत कमाल का। इवन क्लोज रेंज में भी ये वर्क करेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने एबिलिटी यूज़ करी, अपनी HP को 30 कम किया, वहाँ पे डैमेज आया 180 का। यहाँ पे हो चुके हैं 5 सेकेंड। अब देखो मैं यहाँ पे शॉट मारूंगा और डैमेज नॉर्मल 150 का आएगा। ध्यान से देखा आपने, जब मैंने इसकी एबिलिटी ट्रिगर करी, उससे 5 सेकेंड तक अगर आप अटैक करते हो, तो 20% एक्स्ट्रा डैमेज आता है। अब ये कैरेक्टर कितना यूज़फुल है, आप इसको टूर्नामेंट में यूज़ कर सकते हो, या फिर रैंक गेम में यूज़ कर सकते हो, या फिर नहीं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अगर आप लॉन्ग रेंज प्लेयर हो तो ये कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट है, स्पेशली टूर्नामेंट में। ठीक है, रैंक गेम में उतना ज़्यादा नहीं है, आलोक ले लोगे ज़्यादा बेटर है, बट टूर्नामेंट में ये कैरेक्टर लॉन्ग रेंज प्लेयर के लिए तो भाई क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा OP है। ठीक है, क्लोज रेंज के लिए उतना नहीं है, बिकॉज क्लोज रेंज में अगर आप खुद की 30 HP अचानक से कम कर लोगे, और बाय चांस आपने जब अटैक किया उसने उस टाइम ग्लू वॉल बना ली, तो उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा, लॉल हो जाएगा आपके साथ। तो क्लोज रेंज में अच्छा है, बट हमेशा आपके फेवर में सिचुएशन इस कैरेक्टर की वजह से जाए ऐसा नहीं है, हो सकता है इसकी वजह से आप अपना नुकसान भी कर लो। लेकिन लॉन्ग रेंज में जहां आपके पास प्रॉपर कवर है, और आपने एनिमी को भागते हुए देखा है, आप उस पर स्प्रे करना चाहते हो, इसकी एबिलिटी ट्रिगर करो,
स्प्रे करो भाई, एनिमी तो बचना ही नहीं है। एआर का भी अगर मान लो नॉर्मल डैमेज आ रहा है 20-20 का हर गोली में, तो अगर आप ये कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो हर गोली का 24-24 का डैमेज आएगा 5 सेकेंड तक, ठीक है। तो आप सोच सकते हो भाई, मतलब कमाल का कैरेक्टर है यार। तो मैं तो इसको टूर्नामेंट में बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ, और आई थिंक आपको इसकी एबिलिटी पसंद आई होगी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, इस तरीके की वीडियो हम लोग लाते ही रहते हैं। टिप्स ट्रिक हो गई, सिटअप ग्लू वॉल की वीडियो आने वाली है, बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल रहेगा, सारे स्टेप्स बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, और आपको बहुत आराम से सबको समझ में आ जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर रखना है, ठीक है। इसकी के तरीके एक और भी कैरेक्टर है मेरे भाई, वो है दाशा, वो भी मैं बताऊंगा उसका क्या यूज है। इस वीडियो का लाइक एम है 90,000 लाइक, अगर इतना लाइक एम आता है तो मैं दाशा के ऊपर इसी का पार्ट 2 निकालूंगा, उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए। बेल आइकन दबा के उसको ऑल पे सेट कर लेना, दैट्स इट, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।